जी कैफ सेवन, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं, लेक्चर नंबर 26। आज के लेक्चर में हम एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट कल हमने स्टार्ट किया था, उसको आज कंक्लूड करेंगे, और फिर इसके बाद इस चैप्टर के, ये जो चैप्टर 3 मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में हमने क्या सीखा था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के एलिजिबिलिटी एंड इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इसमें सबसे अहम चीज मैंने आपको जो ये बताई थी कि आपने इस क्राइटेरिया को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्राइटेरिया को रेगुलर डायरेक्टर के एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंशिएट करना है, मिक्स नहीं करना दोनों की प्रोविजंस को, ठीक है, एक ही प्रोविजन को दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना। एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने पढ़ लिया, यानी हमें पता चल गया कौन पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने के काबिल है, कौन नहीं है। अब जरा इसके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस देखते हैं, मैनर ऑफ सिलेक्शन देखते हैं। ये कंसेप्ट ऐसा ही है जैसा कि हमने पढ़ा था कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, वो हमने स्टडी किया था, रेगुलर डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इलेक्शन के जरिए से स्टडी किया था ना। इलेक्शन क्या क्या तरीकाकार था इलेक्शन का, याद है क्या तरीका का, 35 डेज पहले डायरेक्टर डिसाइड करते हैं नंबर्स को, उसके बाद 21 डेज पहले एप्लीकेशन कंटेस्टेंट्स जो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं एप्लीकेशन देते हैं, 14 डेज पहले क्या होता है, 21 दिन पहले नोटिस होता है, 14 डेज पहले एप्लीकेशन देते हैं, 7 दिन पहले फाइनल लिस्ट सर्कुलेट करवाई जाती है, और एजीएम के दिन में इलेक्शन हो जाता है। यह है नॉर्मल। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है इसकी अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या है। अच्छा देखिए, होता यह भी उसी तरीके से इलेक्शन के जरिए से, लेकिन इसके लिए तरीका का थोड़ा डिफरेंट है, यानी जिस दिन एजीएम होगी दूसरे डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, उसी दिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट होंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नॉमिनेशंस वगैरह ये डिफरेंट, क्योंकि लॉ रिक्वायर करता है कि लिस्टेड कंपनी के केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जरूरी है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना रिक्वायर्ड है, लाजमी है, कंपनीज ने ये तो अपॉइंट करना ही करना है। जैसे आपने देखा होगा एमएनएस जो होते हैं, कुछ एमपीएस, कुछ सीट्स ऐसी होती है जो कोटा सिस्टम के ऊपर पूरी की जाती है, कुछ होती है बकायदा इलेक्शन के जरिए से होती है, कुछ कोटा सिस्टम के जरिए से। ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, ये कोटा सिस्टम के जरिए से आते हैं, लेकिन कोटा सिस्टम में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, हम वो स्टडी करने जा रहे हैं कि मैनर ऑफ सेलेक्शन क्या होगा। सबसे पहले एक डाटा बैंक मेंटेन किया जाएगा, डाटा मेंटेन किया जाएगा, लिस्ट मेंटेन की जाएगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, और उस डाटा बैंक में से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेलेक्ट किया जाएगा। हां अगर कमीशन से इजाजत ले लें तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को डाटा बैंक की बजाय उसके अलावा भी सेलेक्ट किया जा सकता है। अच्छा अब ये डाटा बैंक क्या होता है, ये कौन मेंटेन करता है, कहां मेंटेन करता है, इसका आंसर हमें आगे बताना है। कह रहे इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अच्छा पहले तो ये आप एग्री करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है, इसकी जस्टिफिकेशन वही है जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जस्टिफिकेशन थी, फर्क सिर्फ यह कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से जो इस क्राइटेरिया को भी मीट कर लेते हैं उन्हें हम फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं। अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना है, जरा मुझे सोच के बताइए एक पर्सन किसी कंपनी से इंडिपेंडेंट है कि नहीं, क्या कंपनी ये वैल्यूएट कर सकती है, कंपनी बेहतर पोजीशन में है वैल्यूएट करने के लिए कि वो पर्सन खुद इवैल्यूएट करना चाहिए उसे फर्स्ट स्टेप के तौर पे कि मैं किसी कंपनी से इंडिपेंडेंट हूं कि नहीं। जैसे फर्ज कीजिए मैं किसी कंपनी का पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं पीटीसीएल का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाऊं, तो क्या पहले मुझे यह देखना चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया पूरा करता हूं कि नहीं करता, ठीक है। तो होता क्या है कि कमीशन ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस सिंपल करने के लिए, ताकि प्रैक्टिकली कंपनीज को प्रॉब्लम ना हो, एससीसीपी ने एक इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट या उस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, उसने डाटा बैंक मेंटेन करना है, यानी लिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मेंटेन करनी है, यू समझ लीजिए उसने एक वेबसाइट मेंटेन करनी है, जैसे ये rosy.pk आपने वेबसाइट नाम सुना हुआ है, या फ्रीलांसर्स की जो वेबसाइट्स होती हैं, क्या होता है उसमें इस तरह की जो वेबसाइट्स होती है इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी अपने अकाउंट बनाते हैं, सीवी अपलोड करते हैं, और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो भी अपना अकाउंट बनाते हैं, और वो सर्च करते हैं कि हमें इस क्राइटेरिया के मुताबिक पर्सन चाहिए। भाई ऐसे ही होता है ना, जैसे वो जो लिंक्डइन, नहीं नहीं वो क्या है जिसपे सेल परचेज होती है, ओएलएक्स, हाँ ओएलएक्स, ओएलएक्स के ऊपर बायर भी होता है सेलर भी होता है, दोनों आते हैं, ठीक है। उसी तरह इस वेबसाइट के ऊपर इंडिविजुअल, ये जो इंस्टीट्यूट कमीशन ने बनाया है, इंस्टीट्यूट या बॉडी,
इस इंस्टीट्यूट या बॉडी का सिर्फ एक ही काम है, क्या? वेबसाइट बनानी है और उसको मेंटेन करना। उस वेबसाइट में क्या होगा, मैं अगर किसी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता हूं ना, तो मैं डिसाइड करूंगा। अच्छा, पहले मैं डिसाइड, मैं हो सकता है पाकिस्तान में 600 कंपनीज है ना, मैं 560 कंपनी से इंडिपेंडेंट हूं, हो सकता है, लेकिन मैं इन 560 कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी का अपॉइंट नहीं होना चाहता। मैं अपॉइंट सिर्फ 3 कंपनीज का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहता हूं, या कंपनी ए, या कंपनी बी, या कंपनी सी। तो मैं ये डिसाइड करूंगा कि कंपनी ए के साथ मेरा कोई रिलेशनशिप तो नहीं, जो भी क्राइटेरिया लाने बताया, इसके डायरेक्टर के साथ मेरा कोई क्लोज रिलेशनशिप तो नहीं, इस कंपनी या इसकी किसी एसोसिएट कंपनी के साथ मेरा एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप तो नहीं, ठीक है, या जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव तो नहीं, मेरा सब्सिडरी का एम्प्लॉय तो नहीं, एसोसिएटेड कंपनी का, जो भी क्राइटेरिया मैं वैल्यूएट करूंगा। और जब मुझे पता चल जाएगा कि मैं कंपनी ए से इंडिपेंडेंट हूं, तो मैं एप्लीकेशन फाइल करूंगा, उधर अपना अकाउंट बनाऊंगा और कहूंगा मेरी ये सीवी है, ये मेरी प्रोफाइल है, मैं अब कंपनी ए का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता हूं। फिर उसके बाद अगर मैं कंपनी बी या कंपनी सी का भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट, भाई जहां भी पोजीशन मेरी फिट हो गई, जैसे आप लोग, आप जब आर्टिकल्स हो जाते हैं तो आप चाहते हैं किसी फॉर्म में ट्रेनिंग के लिए जाएं, लेकिन आप कहते हो नहीं, मैंने ये नहीं है कि कोई भी फॉर्म मुझे मिल जाए, अब बिग फोर मिलनी चाहिए। तो आप वेबसाइट के ऊपर जहां पे अपना सीवी अपलोड करेंगे, वहां पे इतना लिखेंगे इंटरेस्टेड इन बिग फोर ओनली, फॉर्म वन, फॉर्म टू, फॉर्म थ्री, फॉर्म फोर। उसी तरह मैं अगर ये चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनूं तो सही, लेकिन सिर्फ 3 कंपनीज का, अपनी मर्जी की, जिसमें शायद मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिनके नेचर ऑफ बिजनेस में मेरा एक्सपीरियंस। तो मैं जब उस इंस्टीट्यूट की मेंटेन की हुई वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाऊंगा ना, तो उसके आगे लिख दूंगा कि मैं इंटरेस्टेड इन इन 3 कंपनीज में हूं। इसी तरह बाकी सारे लोग जो पूरे पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहते हैं, उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अपना सीवी अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे और अपना इंटरेस्ट बताएंगे किस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहते हैं। ये डाटा बैंक मेंटेन हो रहा है, इसी को कह रहे हैं डाटा बैंक या डाटा बेस, मेंटेन हो गया। अब इसके ऊपर कंपनीज भी अकाउंट बना सकती हैं। अब ये इंस्टीट्यूट की अपनी मर्जी है, ये उनसे फीस भी लेता है, कंपनी से भी फीस लेता है, और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है इंडिविजुअल से भी फीस लेता है ये इंस्टीट्यूट। फीस लेके कंपनीज का अकाउंट बन गया। अब जिस कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, वो क्या करती है भला, वो क्या करती है, अकाउंट बनाया, उसके ऊपर सर्च किया, हाँ भाई हमारी कंपनी का कौन कौन पर्सन है जो हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड है, इसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, वो लिस्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उन्हें पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट के ऊपर 6000 लोग है टोटल रजिस्टर्ड, लेकिन इन 6000 में से कौन से 30 लोग है जो हमारी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, क्या कंपनी को पता चल जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो करवाया हुआ। कंपनी इस 30 की लिस्ट लेके तो अपनी जब इलेक्शन होगा डायरेक्टर्स का, उसमें इसको प्रेजेंट करेगी और उसमें देखा जाएगा कि किसको अपॉइंट करना है, शेयर होल्डर फैसला करेंगे किसको अपॉइंट करना है। यानी जहां पे नॉर्मल डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, उसी तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी अपॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। और इनकी चूंकि कंसेंट एक तरह से पहले ही है, जब इन्होंने अपना सीवी अपलोड किया, तो इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, लेकिन बाद में इनकी कंसेंट दोबारा लेके ना रिटर्न फॉर्म में भी रजिस्ट्रार को जमा करवानी होती है, रजिस्ट्रार को कंसेंट इनके भी जमा करवानी होती है। तो प्रोसीजर समझ आ रहा है आपको कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है। मेन जो सोर्स है ना, वो ये इंस्टीट्यूट है, ये एक मिडल मैन का रोल प्ले कर रहा है ये इंस्टीट्यूट। तो कमीशन ने एक इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया, ये इंस्टीट्यूट डाटा बैंक मेंटेन करेगा किन लोगों का, जो एलिजिबल है और विलिंग है। और जहन में रखिएगा, जब ये सीवी अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो फर्स्ट स्टेप में इस इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि ये इंश्योर करे मैं जिस कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपना इंटरेस्ट शो करवा रहा हूं, मैं उसके लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। पहली जिम्मेदारी आपकी है, बिग फोर में अप्लाई करना ना, तो पहले देख लें कौन सा एफटीएस मांग रहे हैं, कहीं मेरा एफटीएस उससे पुराना तो नहीं है, बिग फोर वाले भी चेक करेंगे, लेकिन पहली जिम्मेदारी किसकी अप्लाई करते हुए, आपकी। तो इस इंडिविजुअल ने चेक किया मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, और फिर जाहिर है जब उसने अपना सीवी अपलोड कर दिया तो वो विलिंग भी है। इसके बाद इंस्टीट्यूट डिटरमिन कर सकता है टर्म्स एंड कंडीशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन डाटा बैंक, यानी इंस्टीट्यूट की मर्जी है। टर्म एंड कंडीशन से मतलब बेसिकली क्या है भला, कि वो जो फीस वगैरह कोई रखना चाहे रख सकता है, वो फीस उसकी अपनी मर्जी है, चाहे वन टाइम फीस रख ले, चाहे मंथली बेसिस के ऊपर फीस रख ले, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं। इंस्टीट्यूट चाहे तो टर्म एंड कंडीशन अपनी इंपोज कर सकता है। और ये जहन में रखेगा, ये इंस्टीट्यूट कमीशन नहीं है, ये कमीशन का अपॉइंट किया हुआ, इसका शायद नाम लिखा हो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट, जिसका नाम भूल रहा है, हाँ ये नाम में नहीं था लेकिन मैंने सर्च किया था इनकी वेबसाइट पे जाके, चले बहरहाल जरूरी नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये इंस्टीट्यूट एसईसी भी नहीं है, ये जहन में रखिएगा। इंस्टीट्यूट का रोल क्लियर हो गया क्या है? Yes, आगे चलते हैं, इंडिविजुअल का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
के एलिजिबल है कि नहीं, उसने जो इन्फॉर्मेशन जो सीवी दे रहा है और जो भी इन्फॉर्मेशन सबमिट करवा रहा है वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है कि नहीं, अपडेट है कि नहीं, ये इसकी जिम्मेदारी है कि ये इंश्योर करना कि जो भी वेबसाइट के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो एक्यूरेट और अपडेट है कि नहीं, इस इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। और फर्स्ट स्टेप है ये इंश्योर करना कि वो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी जो हमने कल पढ़ा हुआ है और प्लस फर्दर रिक्वायरमेंट अगर है वो पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि एक रिक्वायरमेंट और होती है कमीशन की कि डायरेक्टर बनने के लिए जरूरी है कि आपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है डायरेक्टर्स का वो पूरा किया हो। जैसे आप लोगों की ट्रेनिंग होती है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से पहले ट्रेनिंग करना जरूरी है, उसी तरह डायरेक्टर बनने के लिए भी ट्रेनिंग करना जरूरी है, लेकिन उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी हुई है। वो ट्रेनिंग आप पहले भी कर सकते हैं और डायरेक्टर बनने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग करना लाजमी है। अब ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो लाने का, तो ये इंश्योर करना। अब मुझे बताइए, जब ये अपना सीवी अपलोड कर रहा होगा और उसमें उसने लिख दिया आई हैव कंप्लीटेड डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो सोच के बताइए इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि वो उसका अकाउंट बनाने से पहले चेक करे कि उसने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया कि नहीं किया पूरा? कहता नहीं, इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी नहीं है ये चेक करना कि उसने जो क्वालिफिकेशन लिखी है वो सही है कि नहीं है। कंपनी की जिम्मेदारी है, इंस्टीट्यूट की तो नहीं है ना, जिसकी वेबसाइट है उसकी तो नहीं है। अब मुझे बताइए, अगर OLX के ऊपर मुझे किसी ने दो नंबर मोबाइल भेज दिया, मैं OLX वालों को जाकर पकड़ूंगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर वो एड लगी थी, उसने गलत मोबाइल मुझे भेजा है। क्यों? तो मोबाइल खरीदने, OLX वालों ने लिखा भी होता है कि भाई मोबाइल खरीद, कोई भी चीज खरीदने से पहले आप चेक कर लीजिए उसको तसल्ली के साथ। तो ये पहले सेलर की जिम्मेदारी है, प्रोडक्ट को सेल करने से पहले देख ले उसकी सारी इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन ठीक है कि नहीं। दूसरे नंबर में बायर जो गुड या सर्विसेज रिक्वायर कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है, जो दरमियान में मिडलमैन है इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं है कि इंफॉर्मेशन सही थी कि गलत थी जो अपलोड की गई थी। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है एक्यूरेसी एंड अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, यह बात समझ आती है, और इंडिविजुअल जिम्मेदार है इंश्योर करने के लिए क्राइटेरिया पूरा कर रहा है और अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है उनको कंप्लाई कर रहा है। डन, आगे चले। कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर? हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी इंस्टीट्यूट की, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी इंडिविजुअल। कंपनी की जिम्मेदारी यह है कि यह ड्यू डिलीजेंस करेगी बिफोर अपॉइंटमेंट। ड्यू डिलीजेंस क्या होता है भला? इन्वेस्टिगेशन करना कि सारी इंफॉर्मेशन ठीक है कि नहीं। अगर किसी बंदे ने कहा मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता हूं और मैंने मास्टर्स किया, मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर्स है, मेरे पास 15 साल का तजर्बा है, 20 साल का तजर्बा है, तो इंस्टीट्यूट ये तजर्बा वेरीफाई नहीं करेगा है कि नहीं है, कंपनी करेगी। कंपनी की जिम्मेदारी लाने दी, इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी नहीं दी। ये ड्यू डिलीजेंस करें अपॉइंटमेंट से पहले। और इसमें भी वो कहते हैं आप भी ड्यू डिलीजेंस करें एहतियातन उस पर जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, उससे बयान हल्फी भी ले ले, हलफनामा भी ले ले, अंडरटेकिंग ले ले कि वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। जी कहानी समझ आई कुछ? यानी लॉ ने जो अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक इंडिविजुअल, एक इंस्टीट्यूट, एक कंपनी, लॉ ने तीनों के जो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो हमारे सामने रख दी। समझ आई कुछ? कंपनी की क्या जिम्मेदारी, क्या चेक करे, उसके लिए लफ्ज क्या था चेक करने के लिए? ड्यू डिलीजेंस करे, और क्या ले फिर? वो तो ड्यू डिलीजेंस कर ली, फिर भी उसके बाद अंडरटेकिंग ले, अंडरटेकिंग ले के इंडिविजुअल किसे अंडरटेकिंग ले, क्या कि वो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है सारी रिक्वायरमेंट्स का। इंडिविजुअल की क्या जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे जो भी इंफॉर्मेशन वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर रहा है वो एक्यूरेट है, कंप्लीट अपडेटेड है, और वो सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है जो लॉ ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के हवाले से कही हुई है। और इंस्टीट्यूट की क्या जिम्मेदारी है? वो डेटाबेस डाटा बैंक मेंटेन करे, और इसके लिए वो कोई जो भी टर्म्स एंड कंडीशन मुनासिब समझे कर रख सकते हैं। चलिए, अच्छा अब ये प्रोसेस सारा हो गया, अब क्या होगा? इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? एंड कंसेंट। इलेक्शन प्रोसेस वही प्रोसेस है, उसी तरीके से इनकी अपॉइंटमेंट होगी जिस तरीके से नॉर्मल डायरेक्टर की। नॉर्मल डायरेक्टर का इलेक्शन हो गया, उसके बाद कहेंगे हाँ भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी तीन अपॉइंट करने हैं, वो कहेंगे आ जाओ भाई, इसको कौन वोट देता है, इसको कौन वोट देता है, इसको कौन वोट देता है, हाईएस्ट वाले को अपॉइंट कर लिया जाएगा। कंसेंट डायरेक्टर्स की। अच्छा कहीं हमने ये पढ़ा कि जो नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसकी रिटर्न कंसेंट किसी को सबमिट करवानी होती है? किसको? रजिस्ट्रार। एक मिनट ठहरे, इलेक्शन से 14 दिन पहले के इलेक्शन के 14 दिन बाद
या 15 दिन बाद? एक रिक्वायर आपको हिंट देता हूं, एक रिक्वायरमेंट है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट ने अपनी इंटेंशन कंपनी को सबमिट करवानी है, वो बिफोर 14 डेज ऑफ एजीएम, और एक रिक्वायरमेंट है अपॉइंटमेंट के बाद रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर अंदर हमने उनकी कंसेंट फाइल करनी है। दोनों रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, याद आया? ये हमने पढ़ा हुआ है, 14 डेज वाली पढ़ी हुई है कि 15 वाली? दोनों पढ़ी हुई है, दोनों पढ़ी हुई है। तो ये था मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्लियर हो गया जी? नॉन जुडिशियल स्टैंप, ये स्टैंप पेपर होता है नॉन जुडिशियल। अब एक्जैक्टली मुझे पता नहीं है नॉन जुडिशियल किसको कहते हैं, वो शायद नॉन जुडिशियल इसको कहते होंगे कि उसकी बेस के ऊपर कोई मे बी लीगल एक्शन ना, बयान हल्फी तो है लेकिन लीगल एक्शन ना लिया जा सकता हो। नॉन नहीं नहीं, स्टैंप पेपर खाली कागज नहीं होता, जो स्टैंप पेपर होता है ना इसके ऊपर बकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशूड पेपर होता है स्टैंप, ये उस पेपर की बात कर रहा है। इसमें नॉन जुडिशियल का क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता, ये मुझे मेरा ख्याल है इसका मतलब शायद ये होगा कि इसकी बेस के ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं फाइल हो सकता उसके खिलाफ, ठीक है? अगर वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे, डिस्क्वालिफिकेशन तो हो सकती है लेकिन शायद उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं हो सकता, लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं कन्फर्म ओपिनियन नहीं दे रहा, लेकिन ये बहरहाल कन्फर्म है कि इस कंसेप्ट के बारे में आपसे ये नहीं पूछेगा नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर क्या होता है, आपसे इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी तीनों में से किसी भी पार्टी की पूछ सकता है। नॉन जो अगर ये पूछने होती ना उसने तो अपने बुक में एक्सप्लेन करता, ठीक है, एक्सप्लेन किया होता आपने तो जाहिर है मैंने भी रिसर्च करके आपके साथ उसको शेयर करता जी। कुछ समझ आया आपको? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, क्लियर हुआ? रेगुलर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर भी क्लियर है। अब देखिए जिस तरह मैंने कल के लेक्चर में आपको दोनों का एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रेगुलर और इंडिपेंडेंट का रिकॉल करवाया था, किस लिए? ताकि आपके सामने दोनों का डिफरेंस क्लियर हो। उसी तरह हमने जो इनके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलर डायरेक्टर, इसको भी कोशिश किया कि वो भी रिवाइज हो जाए ताकि आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो। एग्जाम में ध्यान से देख लीजिएगा किस डायरेक्टर की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट की या रेगुलर की, यहां तक क्लियर है? अच्छा आप आगे चलते हैं, कुछ जगहों पर तो लॉ ने बताया हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया ये, रेगुलर का ये, इंडिपेंडेंट का प्रोसेस ये होगा, रेगुलर का ये होगा। अब कुछ प्रोविजन ऐसी है जिनके बारे में लॉ ने डिफरेंशिएशन नहीं की, जैसे लोन टू डायरेक्टर है, कंसेप्ट हमने पढ़ा है। yes, क्या रिक्वायरमेंट्स है? डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है? yes, क्या करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर पास करनी होगी, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी कमीशन की अप्रूवल लेनी होगी, और एक्सेप्शन भी बताया, एक्सेप्शन भी बताया, एक्सेप्शन लाजमी बतानी होती, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे ये अप्रूवल अप्लाई नहीं होती। अच्छा मुझे बताइए होल्डिंग कहां से आ गई? होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स को लोन देना हो वो तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन में नहीं था, सेम रिस्ट्रिक्शन सेम है बिल्कुल। मुझे ये बताइए ये रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए है, रेगुलर डायरेक्टर के लिए, के दोनों के लिए? दोनों के। शाबाश, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस रिक्वायरमेंट के साथ उसने मेंशन नहीं किया कि ये स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या ये स्पेसिफिकली अपॉइंटेड रेगुलर डायरेक्टर, वो कंसेप्ट हर तरह के डायरेक्टर पे अप्लाई होगा, क्लियर? इवन वो कंसेप्ट रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स पे भी अप्लाई होगा, हर तरह नॉमिनी डायरेक्टर्स के ऊपर भी अप्लाई होगा। यानी जिसके साथ, जिस तरह हमारा ये रूल है ना कि अगर कोई कंसेप्ट के साथ लिख दिया ये लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होगा तो वो कंसेप्ट सिर्फ, जिस तरह लिख दिया कि ये प्राइवेट पे अप्लाई होगा तो वो कंसेप्ट सिर्फ प्राइवेट पे अप्लाई होगा, और अगर किसी के साथ कुछ भी नहीं लिखा सिर्फ ये लिखा कंपनी शैल डू दिस सब, उसी तरह डायरेक्टर्स का केस है। जो कंसेप्ट उसने कहा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, और जिसके साथ उसने स्पेसिफाई नहीं किया विच टाइप ऑफ डायरेक्टर वो हजार तरह के डायरेक्टर से अप्लाई होगा। ये बात समझ आई? चलिए अब ऐसा कीजिए आपके पास 2-3 मिनट हैं, आप इसकी रीडिंग कर लीजिए मैनर ऑफ सिलेक्शन की, एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी की तो आप कर चुके, कोई बात नहीं दोबारा कर लें क्योंकि एमसीक्यू से अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, मे भी इसमें क्वेश्चन पूछ लें। इस पूरे कंसेप्ट की रीडिंग कर लीजिए, आपके पास 5 मिनट हैं, 5 मिनट तक मैं एमसीक्यूज आपके रेडी करता हूं, फिर उसके बाद एमसीक्यूज हमने अटेम्प्ट करने हैं और फिर ये चैप्टर क्लोज इंशाल्लाह जी। पॉज कीजिएगा। अच्छा ये एक दो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, मैं एमसीक्यू की तरफ जाने से पहले वो आपके साथ शेयर कर लूं। हमने तो यहाँ पे क्या एक कंपनी का एम्प्लॉई उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? नहीं, अगर एम्प्लॉई नहीं अभी भी एम्प्लॉई है
बन सकता है? पिछले 3 साल में नहीं बन सकता, लेकिन हमने तो पढ़ा था एम्प्लॉय डायरेक्टर बन सकता है। हाँ शाबाश, डायरेक्टर बन सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। यानी कंपनी का एम्प्लॉई डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये जेहन में रखिएगा। अच्छा, दूसरा था क्वेश्चन, एंड में एक लाइन लिखी हुई है कि इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शायद कि पब्लिक सेक्टर कंपनी के केस में एक एडिशनल क्राइटेरिया भी है इन एलिजिबिलिटी। क्या? कि पब्लिक सेक्टर, अच्छा मैं पब्लिक सेक्टर कंपनी कह रहा हूँ, पब्लिक कंपनी नहीं कह रहा। क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बता सकते हैं पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी में क्या फर्क है? पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कंपनी वो है जो कि प्राइवेट नहीं है, और पब्लिक सेक्टर वो है जिसके 50% से ज्यादा वोटिंग सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ओन करे, या जिसके मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को गवर्नमेंट, याद है ना आपको? अच्छा, इसका मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी के ऊपर होल्ड जो उसको कर रही होगी वो गवर्नमेंट को कर रही होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि जो उसको होल्ड कर रही है गवर्नमेंट का कोई इंप्लाई इसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाए? नहीं, इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। अगर वो गवर्नमेंट का इंप्लॉई है तो वो कंपनी से इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो तो मेजोरिटी शेयर होल्डर का इंप्लॉई हुआ, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं। इसलिए उसने कहा पब्लिक सेक्टर कंपनी के केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर गवर्नमेंट या इसके किसी इदारे का इंप्लॉई नहीं हो सकता। अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट या उसके किसी इदारे का इंप्लॉई है तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा ये अभी एक स्टूडेंट ने सर्च करके हमें बताया है कि वो जो इंस्टीट्यूट है ना उसका नाम क्या है। उसका नाम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, PICG, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। असल में जिस वक्त ये प्रोविजन आई ना उस वक्त रिक्वायरमेंट तो ओपन कर दी गई थी, इंस्टीट्यूट उस वक्त रजिस्टर नहीं हुआ था, अभी इंस्टीट्यूट बाद में रजिस्टर हुआ, वरना शायद कंपनी एक्ट 2017 में उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का नाम बहरहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि आप उसकी वेबसाइट पर अगर जाएं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो किस तरीके से, उन्होंने प्रोसेस वगैरह अपनी वेबसाइट पर लिखा होगा। क्लियर? कोई और क्वेश्चन? MCQs की तरफ चलें। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, पहला क्वेश्चन। अच्छा, ये कुछ के साथ ना स्टेरिक मार्क किया गया है, ये नहीं होना चाहिए था। ये सर में पहले के 2-3 एडिशन पहले हमारी आदत होती थी कि जो MCQs ICAP के पास्ट पेपर के होते थे उनके साथ स्टेरिक मार्क कर दिया करते थे, और जो ICAP ने पास्ट पेपर के MCQs नहीं होते थे वो सिर्फ बुक में फ्यूचर के नहीं वो बुक में प्रैक्टिस के लिए दिए होते थे, बुक में ICAP ने वैसे एडिशनल प्रैक्टिस के लिए दे, तो उनको हम स्टैटिक मार्क नहीं करते थे, सिंपल रखते थे। पर्पस सिर्फ ये होता था कि स्टैटिक मार्क आ जाए तो सोन सारा अलर्ट हो जाए कि हाँ ये वो क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर में आया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब फिर उसके बाद ICAP ने कुछ चेंजेस की, सब्जेक्ट को लदर अदा कर दिया, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन इरेलीवेंट हो गई है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली भी हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना तो जो क्वेश्चन ICAP के पास्ट पेपर में आया हो, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में तो सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो पास्ट पेपर तो उसके नीचे हम अटेम्प्ट और क्वेश्चन नंबर लिख दिया करते हैं। उसका सिर्फ एक ही पर्पज होता है, क्या? जब स्टूडेंट को पता चलता है ना ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया, वो थोड़ा सा ज्यादा सीरियस या ज्यादा अलर्ट हो जाता है उस क्वेश्चन को समझने में, उसको अटेम्प्ट करने में। तो इसीलिए इसका ये पर्पज था। अब आप इसको इग्नोर कर दें। द नेम्स एंड नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी डिसाइडेड बाय कौन? मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कौन? प्रमोटर्स, सब्सक्राइबर्स द कंपनी। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे सारा क्वेश्चन सेम, सब तो करेक्ट ऑप्शन क्या है सी, सारा क्वेश्चन सेम, यहाँ पे नंबर डायरेक्टर फर्स्ट नहीं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर लिखाओ। हागे मार। अब उस सूरत में नेम्स तो नहीं आएगा, नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर शैल बी डिसाइडेड बाय, अगर नेम को उड़ा दें नंबर, ये नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर शैल बी डिसाइडेड, कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्टर। कितने दिन पहले? 35 डेज पहले। ठीक है, 21 डेज पहले क्या होगा? मीटिंग, 14 डेज पहले क्या होगा? फाइलिंग इंटेंशन, और 7 दिन पहले लिस्ट है, बट ठीक है। सेकंड, कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी किसे कहते हैं? जब किसी पर्सन की डेथ हो जाए, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, या वो रिजाइन कर दे, डेथ, ये कैजुअल वैकेंसी के साथ लिख ले, कैजुअल वैकेंसी इज इक्वल टू डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन, उसे कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर की पोस्ट पे भी अराइज हो सकती है, इसके अलावा दूसरी पोस्ट पे भी अराइज हो सकती है, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव। क्या चीफ एग्जीक्यूटिव भी कैजुअल वैकेंसी अराइज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन यहां पे डायरेक्टर की बात कर रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, वो तो हमने कल से पढ़ना है ना, अभी तो सिर्फ डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, ऑफ ए लिस्टेड कंपनी मस्ट बी फिल्ड बाय कॉलिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी।
By calling an extraordinary general meeting का मतलब ये वो बता रहा है कि इसकी appointment shareholder करेंगे, members करेंगे। General meeting में तो members ही होता है ना। हालांकि मैं पता है casual vacancy में appointment कौन करता है? कितने अरसे में? 90 days। Within 90 days। क्या ये required होती है क्या optional है? Listed company के case में required। पहले option कर, दूसरे by the directors not later than 90 days from the date of such vacancy। हाँ director 90 दिन के अंदर अंदर करेंगे। Not later than 90 days का मतलब क्या होता है? अच्छा जहां कहीं लॉ में कहीं पे नॉट लेटर देन नाइना उसको आपने काट के लिख देना विद इन, कंसेप्ट आपका आसान हो जाए, छोटा सा चेंज करेंगे लेकिन कंसेप्ट आसान हो जाएगा। तो विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट, भाई ये कंसेप्ट ठीक है? बी करेक्ट है। सी क्यों गलत है? बाय द डायरेक्टर्स आर मेंबर्स इन जनरल मीटिंग एज द केस में बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल एसोसिएशन, नो गलत। लॉ ने पावर दी हुई है कैजुअल वैकेंसी फिल करने की डायरेक्टर्स को, और बाय द मेंबर्स इन अपकमिंग एजीएम, नो ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी सेकंड में क्या हुई? बी। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एलिजिबिलिटी अप्लाइज ओनली टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन ए लिस्टेड कंपनी, इनमें से कौन सी एलिजिबिलिटी है जो सिर्फ अच्छा है सारी इनएलिजिबिलिटी लेकिन कौन सी है जो माइनर सबके लिए? अच्छा ये सबके लिए है कि सिर्फ अनलिस्टेड के लिए? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट सबके लिए कि सिर्फ अनलिस्टेड? Has been convicted by a court for an offence involving सबके लिए, has been declared by court as defaulter financial, तो correct option क्या हुई? D। तो अच्छा फिर मुझे ये बताइए मेरे भाई, listed companies पे जो disqualification apply होती है ना उनमें से एक तो ये है defaulter वाली, दूसरी कौन सी? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, दूसरी कौन सी है? wife वगैरह, ये वगैरह explain कीजिए। हाँ अगर ब्रोकर वो खुद या स्पाउस, स्पाउस ब्रोकरेज में हाँ इन्वॉल्व हो, ब्रोकर हो, तो उस सूरत में डिस्क्वालिफिकेशन, ये भी सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए। बिल्कुल ठीक, शाबाश। फोर, ए डायरेक्टर शैल बी ट्रीटेड टू हैव वेकेटेड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इफ ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम थ्री बोर्ड मीटिंग, गलत। थ्री कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, गलत। विदाउट, ये भूल जाते हैं आप हमेशा, विदाउट सीकिंग लीव, ये भी तो था लॉ में। इनकम्प्लीट आंसर भी गलत आंसर होता है, ये बताया हुआ ना आपको, जहां पे उसने डेफिनेशन डिफाइन करने को कहा एक्सेप्शन थी, आपने नहीं लिखी, आपके नंबर काट लेगा डायरेक्टर। अच्छा कब? मीटिंग हेल्ड इन लास्ट 3 मंथ्स, मीटिंग हेल्ड इन लास्ट 120 डेज, थ्री कंसेक्यूटिव मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, थ्री कंसेक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ द मेंबर्स की मीटिंग तो लाजमी नहीं है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी। हालांकि कंप्लीट कंसेप्ट नहीं है लेकिन जितने ऑप्शन है उनमें सही तो सबसे अच्छी यही है, मोस्ट एप्रोप्रिएट, शाबाश। तो 4 में करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी, शाबाश। फिर ए कंपनी इज नॉट अलाउड टू कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, सोशल पर्पज के लिए कर सकते हैं, डिविडेंड के लिए कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, टू एनी ज़कात पेमेंट, ज़कात भी पे कर सकते हैं, बल्कि जो बैंकिंग कंपनीज है वो लोगों के अकाउंट से ज़कात डिडक्ट करके पे करती होती है। हाँ पॉलिटिकल पर्पस के लिए पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? सी। 6, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी फिक्स्ड बाय द कंपनीज एक्ट, 7, नहीं 7 मैक्सिमम नहीं, 7 तो मिनिमम है और वो भी लिस्टेड कंपनी की है, 10 नहीं, 50 मैक्सिमम नंबर है लेकिन मेंबर्स की है, मेंबर्स की और प्राइवेट कंपनी के केस में, तो ये भी गलत। नॉर्थ पे हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ये पब्लिक कंपनी के केस में स्पेसिफाइड नहीं है, पब्लिक कंपनी के केस में स्पेसिफाइड नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई डी। 7, द कोरम फॉर ए मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए लिस्टेड कंपनी विल नॉट बी लेस देन, कोरम हमने पढ़ा हुआ है, एक मिनट, अनलिस्टेड कंपनी का कोरम बताए, कोई नहीं बोलेगा, और मेरा ख्याल है ये है 1/4, 1/4 or 3 विच एवर इज हायर, यही सुनना चाहता था, गलत, ये तो लिस्टेड कंपनी का कोरम है एज पर आर्टिकल था, अनलिस्टेड का एज पर आर्टिकल था, द कोरम फॉर मीटिंग ऑफ लिस्टेड, लेकिन वो लिस्टेड कंपनी पूछ रहा है विल नॉट बी लेस देन 2/3 ऑफ देयर नंबर आर 4 विच एवर इज ग्रेटर, 1/3 ऑफ देयर नंबर आर 4 विच एवर इज ग्रेटर, जी ऑप्शन करें 1/4 या 3/4 गलत है, 1/3 और 4 विच एवर इज हायर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई बी।
8 Robust Limited RS election of director is to be held next week. ये थोड़ा लंबी क्वेश्चन लग रहा है. ठहर जाए भाई. Robust RS election of director is to be held next week. RS board of director has fixed 9 to be elected for the next term. No director. Whereas 10 members have filed notices of their intention. With RS. No directors appoint करने हैं. और 10 तो मेरे ख्याल सबको मिला मुकाबला इंतहा इलेक्शन होगा. नो अगर आते तो फिर इलेक्शन ना होता. 10 में इलेक्शन होगा. नोटिस ऑफ देयर इलेक्शन विद आरएल टू ऑफर देमसेल्फ फॉर इलेक्शन एज डायरेक्टर. मिस्टर अरकम ओन्स 100,000 शेयर्स इन आरएल. मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स अरकम मे बी अलाउड टू कास्ट इन फेवर ऑफ डायरेक्टर्स वुड बी. मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के साथ के नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड. डायरेक्टर्स जो 9 है उसका मतलब 100,000 इंटू 9 कितना होगा? 900,000. करेक्ट ऑप्शन क्या बनी हमारी? सी ऑप्शन. 9 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड इन द फॉरथकमिंग इलेक्शन शैल बी फिक्स्ड बाय डायरेक्टर्स एट लीस्ट. ये तो रटा लगाया हमने 35 डेज. तो बताइए 21 दिन पहले क्या होता है? और 60 दिन पहले क्या होता है? 60 दिन बाद क्या होता है? 60 दिन किस कंसेप्ट में इस्तेमाल हुए थे? नेम रिजर्वेशन में. नेम 60 दिन के लिए रिजर्व होता है. और एक था चेंज ऑफ नेम भी था, वो 90 दिन था. क्या था? नेम चेंज हो तो 90 दिन तक क्या करना? नए नेम के साथ. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल. तो जहां कहीं डेज आ जाए ना वहां पे रेलिवेंट ना भी हो तो ये सोचे ये 21, 25, 21, 60 इस कंसेप्ट से रेलिवेंट नहीं है तो किससे रेलिवेंट है? डेज की प्रैक्टिस खासतौर पर किया करें. 9 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड इन फॉरथकमिंग इलेक्शन शैल बी फिक्स्ड बाय डायरेक्टर. यही तो था. सॉरी. द पर्सन हु मे विश टू कंटेस्ट द इलेक्शन डायरेक्टर रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस टू कंपनी एट लीस्ट 14 डेज बिफोर. मेरे तो 21 डेज पहले क्या होता है? नोटिस. और 7 डेज पहले क्या होता है? लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सर्कुलेट की जाती है. 7 दिन बाद क्या होता है मीटिंग के, एजीएम के? कुछ नहीं. 14 डेज के बाद, 15 डेज के बाद कंसेंट रजिस्ट्रार को फाइल. शाबाश शाबाश शाबाश. तो 10 में करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? 7. सॉरी, ए ऑप्शन करेक्ट हुई. एक मिनट है. पर्सन विश टू कंटेस्ट इलेक्शन रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस 14 डेज पहले है ना? बी ऑप्शन करेक्ट है. घुमराह करते हो. Any casual vacancy on the board of a listed company shall be filled up by the directors at the earliest but not later than 90 days. तो 120 days में क्या होता है? 120 days की हमने कोई प्रोविजन नहीं पढ़ी. हमने ये तो नहीं पढ़ा कि जी हाँ AGM AGM close of financial year के बाद 120 दिन के अंदर अंदर AGM conduct करवाने, इस तरह की बात अभी नहीं पढ़ी हमने. चलिए ठीक है. अच्छा 60 days में क्या होता है? नेम रिजल्ट. ठीक है, ये पहले हो गया था. चलिए तो करेक्ट ऑप्शन में क्या हुई? 90 डेज ए. 12 इन केस ऑफ एनी मटेरियल इररेगुलरिटी इन द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स हैविंग 10% और मोर वोटिंग पावर में अप्लाई टू कोर्ट विद इन 30 डेज ऑफ इलेक्शन. 30 दिन के अंदर. मैं आपको बताया था तीन चीजें हैं, तीनों में रिक्वायरमेंट्स तकरीबन मिलती जुलती है कि कोर्ट के पास जाना है, 30 दिन के अंदर जाना है अगर कोई इररेगुलरिटी वगैरह हुई है. वो कौन कौन से केसेस है? डायरेक्टर्स का इलेक्शन, वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स और एनुअल जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग्स में कोई एरर. इसमें करेक्ट ऑप्शन सी 30 डेज ऑफ इलेक्शन. 14 डेज की बताइए क्या बात थी? फाइलिंग ऑफ इंटेंशन 14 डेज था कि 15 डेज था? नहीं, फाइलिंग ऑफ इंटेंशन कंपनी थ्रू रजिस्ट्रार की बात कर रहे हैं कि डायरेक्टर्स थ्रू कंपनी की कर रहे हैं? अच्छा, डायरेक्टर्स थ्रू कंपनी कर रहे हैं. मैं समझा कंपनी टू रजिस्ट्रार. तो डायरेक्टर्स थ्रू कंपनी क्या है? 14 डेज बिफोर इलेक्शन और इलेक्शन के बाद 15 डेज में रजिस्ट्रार को कंसेंट. 21 डेज एजीएम. ठीक है. 13 मिस्टर एम हैज गिवन ए रिक्वेस्ट टू द कंपनी टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स अपॉन एक्विजिशन ऑफ ए साइजेबल शेयर होल्डिंग इन द कंपनी दैट इज पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी. अनलिस्टेड कंपनी के साइजेबल शेयर्स खरीदे
और उसने कहा भाई फ्रेश इलेक्शन होल्ड करो, क्या कोई शेयर होल्डर ये कह सकता है कंपनी को फ्रेश इलेक्शन? मेजोरिटी ऑफ शेयर्स नहीं, रिक्वायर्ड शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? शाबाश, 100% डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है। तो इसके पास एक्विजिशन आ गई होगी, कह रहे डायरेक्टर आर सपोज टू प्रोसीड टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ सच एप्लीकेशन। अच्छा यहाँ पे नोट कीजिए, वो कह रहा है सपोज टू प्रोसीड टू होल्ड, होल्ड लाजमी नहीं, प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं 30 डेज, 60 डेज वो नेम रिजर्व वाली बात होगी, ठीक है। ठहर जाए भाई, विद्वान सीज़ है। A person cannot be appointed as director of a company if he is lacking fiduciary behavior and a relationship fact has been made to court by any time during preceding 5 years. तो 3 साल में क्या था? वो रेगुलर डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं है, बिहेवियर इंडिपेंडेंट है। तो आप बताइए, अगर कोई पर्सन उस कंपनी का या उसके एसोसिएटेड कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव रहा है पिछले 3 साल में, वहां पे था फिर था, अगर एम्प्लॉई रहा है उस कंपनी का या उसकी सब्सिडियरी कंपनी का, उसके साथ 3 साल था। मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप, उसके साथ 3 साल था। क्रॉस डायरेक्टरशिप के साथ 3 साल नहीं थे, नहीं थे 3 साल। 15, डायरेक्टर ऑफ ए पब्लिक कंपनी शैल मीट एट लीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर। अच्छा वो कौन सी चीज है जो वंस इन अ ईयर होती है? AGM, शाबाश। एवरी मंथ तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई बी। चलिए ये चैप्टर क्लोज हो गया, पढ़ लिया आपने, समझ आ गया। चलिए इंशाल्लाह कल की क्लास में इसका माइंड मैप आपके साथ शेयर किया जाएगा ताकि आप इसकी रिवीजन कर लें, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।